दोस्तों जवान के बाद अब डंकी के ऊपर बहुत ही तेजी से काम चल रहा है और डंकी के ट्रेलर का भी लोगों को बेसब्री से इंतजार है। और आपको बता दें कि डंकी का ऑफिशियल ट्रेलर भी तैयार और डंकी का डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने डंकी का ट्रेलर शाहरुख खान को दिखा दिया है, बस इंतजार है तो रिलीज करने का। लेकिन उससे पहले राजकुमार हिरानी सबसे पहले फैंस के दिलों में डंकी को लेकर और भी उत्सुकता देखने वाले, तब जाकर डंकी का ट्रेलर रिलीज होगा। लेकिन इतना कन्फर्म है कि डंकी का ट्रेलर अक्टूबर में ही आने वाला, क्योंकि डंकी दिसंबर में रिलीज हो जाएगी। लेकिन सलार वाले जानबूझकर उंगली करेंगे तो हिंदी में सलार का ही नुकसान होगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन स्क्रीन देने से पहले सलार का पिछली फिल्म का रिकॉर्ड देखेगी और प्रभास का आदि पुरुष से वैसे भी रिकॉर्ड बेकार है और अभी बॉलीवुड में जवान का क्रेज है, तो सबसे पहले हिंदी में डंकी का ही स्क्रीन मिलने वाला है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले अपना फायदा देखेगी, जिसकी वजह से सलार को हिंदी में कम स्क्रीन मिलने वाली है। वैसे दोनों ही फिल्में काफी अच्छा होने वाला है, लेकिन डंकी का क्रेज ही कुछ अलग है। लेकिन सलार भी खतरनाक फिल्म है, क्योंकि उसे प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं। वैसे देखना यह होगा कि कौन सी फिल्म किसको पीछे छोड़ती है, डंकी या फिर सलार। वैसे आप कमेंट में बताइएगा आप किस फिल्म को देखना पसंद करते हैं।